सो फ्रेंड्स, दिन ब दिन यहाँ पे Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro से रिलेटेड बहुत सारी लीक्स निकल कर आती जा रही है, फिर बेशक कंपनी की तरफ से हो या बाकी यहाँ पे सोशल हैंडल्स वगैरह की तरफ से हो, लेकिन यार ये बहुत फ्लैगशिप और बहुत अमेजिंग किस्म की डिवाइस होने वाली है। और जैसे यहाँ पे दिन ब दिन इसकी लीक्स निकल कर आती जा रही है ना, तो ये कन्फर्म होता जा रहा है कि बहुत जल्दी मार्केट पर आप लोग को Mi 10 और Mi 10 Pro देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाइव लुक देखने को मिली है Mi 10 के फ्रंट ग्लास की। तो ये बेसिकली इस तरह का फ्रंट ग्लास होने वाला है, और यहाँ पे आई सिल्वर से रिलेटेड जो कि एक बहुत बड़े लीकर हैं, काफी सारी यहाँ पे सैमसंग होगी, Xiaomi होगी, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो यहाँ पे सच हो जाती है। और उनका कहना था कि Mi 10 के अंदर आप लोगों को एक कर्व स्क्रीन देखने को मिलेगी फ्रंट साइड पे, ये कोई वाटरफॉल डिस्प्ले नहीं होने वाला जिस तरह आप लोगों को Vivo Nex के अंदर देखने को मिल जाता है, और या आप लोगों को Huawei Mate 30 के अंदर देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये एक कर्व डिस्प्ले होने वाला है जिस तरह आप लोगों को OnePlus 7 Pro के अंदर देखने को मिलता है। अलबत्ता ये जो एक लाइव लुक देखने को मिली है हमें फ्रंट ग्लास की, यहाँ पे आप लोग किसी किस्म के होल वगैरह नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन जो Mi 10 का जो स्टैंडर्ड वर्जन होने वाला है वहां पे आप लोगों को एक पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अलबत्ता जो यहाँ पे Mi 10 Pro होने वाला है वहां पे आप लोगों को एक ड्यूल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा फ्रंट साइड पे। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे आप लोगों को एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी Mi 10 के अंदर, और ये जो कर्व डिस्प्ले वाला फीचर होता है ना, ये यार बहुत अमेजिंग बना देता है मोबाइल फोन को। मतलब वाकई जो फ्लैगशिप मोबाइल फोन होता है उसे प्रीमियम बनाने के लिए उसका डिस्प्ले एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा होता है, और यहाँ पे आप लोग जो कर्व डिस्प्ले देखने को मिली है ये बहुत प्यारी लुकिंग देने वाला है। अलबत्ता यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट पे जो साइड वाले बेजल्स होंगे तो बिल्कुल ही देखेंगे, लेकिन अपर एंड लोअर के जो बेजल्स होंगे बेसिकली जो चिन्ह होगी वो हल्की हल्की सी आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत प्यारी लुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी डिस्प्ले के मामले में। अलबत्ता यहाँ पे टॉप राइट पे आप लोगों को पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा Mi 10 के अंदर, और टॉप राइट साइड पे आप लोगों को Mi 10 Pro के अंदर एक ड्यूल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अलबत्ता अगर Mi 10 की बैक साइड की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आप लोगों को टॉप लेफ्ट साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पे मेन सेंसर होने वाला है 108 मेगापिक्सल का। जी हाँ, बहुत अमेजिंग चीज होने वाली है। बेसिकली 108 मेगापिक्सल का जो सेंसर है सैमसंग की तरफ से निकल कर आता है, साथ ही आप लोग यहाँ पे एक वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा, टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। और मेन फीचर तो आप लोग यहाँ पे जो 108 मेगापिक्सल देखने को मिला है उसका ऑलरेडी जो वीडियो क्लिप होने वाले वो Xiaomi की तरफ से शोकेस भी हुए थे, जहाँ पे आप लोग को वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और पिक्चर क्वालिटी तो और अमेजिंग देखने को मिलेगी। और अब अगर मैं यहाँ पे लॉन्चिंग की बात कर लूँ तो यार कुछ लेटेस्ट लीक्स निकल कर आ रही है इसी Mi 10 के लॉन्च से रिलेटेड, जहां पे आप लोगों को Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro और Xiaomi Mi 10 SE देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट मंथ के अंदर, मतलब फरवरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जहां पे 18 फेब के ऊपर आप लोगों को इसकी लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी Mi 10 की। अलबत्ता ये अभी तक लीक्स निकल कर आ रहे हैं लेकिन लेटेस्ट हैं, तो चांसेस हैं कि जिस तरह से यहां पे लीक्स निकल कर आ रहे हैं बहुत जल्दी आप लोगों को मार्केट के अंदर ये मोबाइल फोन देखने को मिल जाएगा। अलबत्ता दूसरी साइड पे Samsung भी अपना लेटेस्ट मोबाइल फोन लॉन्च करने वाला है, Samsung Galaxy S11, Samsung Galaxy S11 Plus और Samsung Galaxy S11 Lite। तो यार ये इन फ्यूचर आप लोगों को Samsung के लेटेस्ट फ्लैगशिप मोबाइल फोन देखने को मिलेंगे, लेकिन Xiaomi भी चाहेगा कि वो इस फ्लैगशिप मोबाइल फोन का तोड़ के लिए अपने Mi 10 Mi 10 Pro को लॉन्च करे, तो वो तभी पॉसिबल है जिस टाइम दोनों मोबाइल फोन एट अ टाइम मार्केट में लॉन्च किए जाए या बिल्कुल आसपास लॉन्च किए जाए, ताकि यहाँ पे जो उसके कस्टमर्स हैं वो इसके कस्टमर्स बन जाए और इसके जो कस्टमर्स हैं उसके बन जाए, दोनों आपस में एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों की लॉन्चिंग के अंदर बड़ा गैप आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब अगर पहले यहाँ पे Mi 10 आ गया ना तो लोगों ने Mi 10 को परचेज करने रहे और Samsung रह जाएगा। तो देखते हैं कौन सी कंपनी सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, तो Samsung बहुत जल्दी अपने मोबाइल फोन को लॉन्च करने वाली है S11 को, तो देखेंगे फाइनली मार्केट में किस टाइम आता है। अभी तक यही लेटेस्ट लीक्स थी Mi 10 और Mi 10 Pro रिलेटेड जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप भी कोई भी क्वेश्चन पावर सजेशन नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तो फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।